जमीयतुल उलमा के पार्टी से संबंधित कार्यकर्ताओं ने सीए कानून के संबंध में एक ज्ञापन दिया है, उसी के संबंध में आज मैं आया था और इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसको मैं जिलाधिकारी महोदय के पास भेजूंगा, जिसे आगे जो है भेजा जा सके। ये जो काम हो रहा है गांव-गांव के लोग हस्ताक्षर जी, तो इस मुहिम से तो ठीक हो रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को कहने का, इससे बेहतर तरीका तो मुझे नहीं समझ में आता है कि इससे कोई बेहतर और तरीका हो। आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं और जब भी जब जुलूस निकलता है या प्रदर्शन होते हैं उसमें इसका स्वरूप बदल जाता है, जिससे अपने उद्देश्यों में से भटक जाता है, तो बहुत ही अच्छा कदम है, इससे जो है उद्देश्यों में यह सफल होना चाहिए। आज एक मिशन की जी, आज ये जो तरमीमी शहरियत तरमीमी एक कानून बना है उसके मुखालफत के सिलसिले में कि उस वो जो है वो आईन के खिलाफ है और उसके अंदर भेदभाव है और उससे जो है आम जनता को जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी और मुल्क का अमनो अमान बर्बाद होगा जैसे बर्बाद हो रहा है, उसको लेकर के जमीयतुल्लमा सरायमीर की मीटिंग हुई जिसके अंदर ये चीज़ रखी गई कि इसके खिलाफ हम लोगों को पुरअमन मुहिम चलानी है। धरना प्रदर्शन के बजाय गांव-गांव जो है वो अपनी मांग को लेकर के, जो मांग हमारी है कि इसको वापस लिया जाए और मुल्क में एनसीआर लागू न किया जाए, एनपीआर के अमल को रोका जाए, अगर शहरियत के कार्ड के बनाने की जरूरत है तो मुल्क में 96% आधार कार्ड बने हुए हैं, उन्हीं आधार के कार्ड के जरिए शहरियत का कार्ड बना दिया जाए लेकिन आम जनता की शहरियत से किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। 1,00,000 जमीयतुल्लमा सरायमीर के हलके से 1,00,000 दस्तखत का अंदाज़ा रखा गया है और तमाम लोग आए हैं, वो गांव-गांव दस्तखत करेंगे और जब दस्तखत पूरी हो जाएगी तो ऐसी सूरत में हम डीएम साहब को देंगे और इस मुहिम को आगे सदर जमहूरिया तक चलाएंगे ताकि ये चीज़, ये हमारा जो मुतालबा है, जो हमारी मांग है वो हुकूमत तक पहुँचे और हुकूमत संजीदगी से गौर करे और गौर करने के बाद मुल्क के हित में, मुल्क के मफाद में अपने फैसले को वापस लें और शहरियत से छेड़छाड़ न करें।